मम्मी के ना होने का फुल फायदा उठा जा रहा है। मैंने भी दूध में चाय बना ली, ये भी दूध में पता नहीं कॉफी बना रहा है। दूध सारा खत्म ना कर दियो। सर थोड़ा इसको समझा दे यार बेटा, समझा दे इसको कपड़ों के लिए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज अभी सुबह सुबह कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है मम्मी और पीयूष के बीच में कपड़ों को लेके। पीयूष कपड़े डाल रहा था, मैं डलवाऊंगा तेरे कपड़े, देखो मैं डलवाऊंगा ना, देखते हैं लेकिन जाऊं कहीं पे। ये वाली छोटी है ना, डाल के दिखाना, मैं किसी और को दूंगी, फिर अंदर रख के क्या करूं खाली। अरे साफ सही आ रही है, उसको डालता नहीं है ये, ठंडा लग रहा है। इसके बाहर से डाल ले, इसके बाहर से डाल, इसके बाहर से कहां। एक बार डाल के तो देख बेटा, कुछ होगा तो मेरे को कहिए, तो डाल के तो सही। उल्टा पुल्टा बोलता, देख लो नहीं होती है ना ऐसा। क्या उल्टा पुल्टा, जो मम्मी कह रही बात मान ले, फिर दूसरी दे दूंगी मम्मी। इसके लिए मैंने ऐसे तीन जोगर ले रखे हैं, कभी नहीं डालता। कि ये देख, ये देख, ये देख। हाँ यही तो कह रहा हूँ, ये तीन लिए मैंने इसके लिए। ये है और ये देख बेटा, ये और है, ये देखो चार ले रखे मैंने। ये देख और ये वाले देख, जिनसे देख कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये दे रखी है आठ नौ, और अभी इसमें होंगी ये देख। अभी आगे बेटा इनका बर्बाद होगा, नहीं होगा, तो डालता ही नहीं है ना। यही तो कह रही हूँ, इसको रोज डाल, अंदर से कपड़े ले लेगा, डालेगा नहीं उनको। डाल एक बार, डाल के सारे कपड़े डाल के दिखा, डाल के दिखाना, और डालियो डेढ़ डेढ़ डालने पड़ेंगे, ठीक है। इसको मिल रहा है ना, इसीलिए जिन लोगों के पास कपड़े नहीं होते उनसे पूछे जाके। फिर लोग भी कमेंट करते हैं कि पीयूष सिर्फ एक ही पजामे में दिखता है, बट इसके पास है इतने सारे कपड़े, इतने सारी जीन्स, इतनी सारी पैंट मैंने इसको दिला रखी है, आठ नौ है इसके पास, कभी नहीं डालता है। एक ही पजामे में तीन तीन चार दिन निकाल देता है। फिर लोग कमेंट करते हैं कि ये सिर्फ रोज यही एक ही कपड़े डालता है। मान लो हम कहीं बाहर जाते हैं टूर पे, मान लो 10 दिन के लिए आते हैं, तो 10 की 10 ले जा, एक एक दिन डालता रहे रोज रोज। शुक्रिया बड़े मी, देखिए 10 रुपए मिले, दिखा देख। तो पीयूष की किसी पुरानी पैंट में हमको 10 का नोट मिला। इस तरह से मेरे साथ भी होता था, मुझे कई बार 50 मिलते थे, कई बार 100 मिलते थे। आज पहली बार ये आईपैड का सही से यूज कर रहे, ड्राइंग बना रहे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इसमें एक परफेक्ट सर्कल बना के दिखाओ। तेरे को पहले मैं बना के दिखाऊं, एक मिनट जाओ, ठीक है। आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि परफेक्ट होना चाहिए, बस होल्ड कर रखो उसको, छोड़ दो। ओह अच्छा, मस्त। ये परफेक्ट लाइन भी बनती है, हैं परफेक्ट लाइन। आईपैड को इस तरह से यूज कर, ड्राइंग सीख। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, चिपके वाले चावल, सिंपल वाले छोले। तो अपना मस्त खाते हैं। बाय द वे मेरा नंबर फिर से लीक हो गया है व्हाट्सएप पे, इतने कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं ना, पता नहीं किसने लीक कर दिया दोबारा। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है नंबर लीक करके। अब मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं सबसे कैसे बात करूं। जैसे मेरे को कोई ड्राइंग बनानी है, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, तो स्प्लिट स्क्रीन करके यहाँ पर रेफरेंस, यहाँ पर ड्राइंग देख लो। मेरे को ड्राइंग सिखा रहा है ये, देखो पीछे क्या है। अरे 20-20 घंटे 30-30 घंटे लगा के बना रखे हैं, और ये मेरे को आर्टवर्क सिखा रहा है, आईपैड वाली सिखा रहा हूं ना। लेकिन मुझे डिजिटल नहीं आता बिल्कुल भी, एप्लीकेशन में नहीं, मैं पेंसिल से हाथ से बनाता हूं, जो कि आपको दिख रहे होंगे पीछे, तो इसलिए मुझे सिखा रहे हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मेरे को इसको हिलाना है, तो यहाँ पर जाके इसको करके इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। एक फोन कट रहा है, दूसरा फोन आ जा रहा है। तो भी गाइस खाना हो चुका है, और अभी बाहर आए हैं धूप सेकने के लिए। अम्मा भी यहीं बैठे हैं, बाबूजी भी यहीं बैठे हैं, एंड ओरियो तो रहता है यहीं पे है। आजकल ओरियो को सबसे ज्यादा प्यार अम्मा और बाबू से है। जब से अम्मा बाबू आए ना, हमको तो पूछ ही नहीं रहा ओरियो, बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा, मेरे पास आता ही नहीं, मेरे रूम में ही नहीं आता। अभी रात को अम्मा के साथ सोता है, अम्मा के बेड पे, मेरे साथ तो आता ही नहीं बिल्कुल भी। अब देखो मैं बुलाऊंगा ना, नहीं आएगा। ओलू इधर 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 आओ, सरदा के पास आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये देखो भाग जाएगा, इधर आ मेरे पास, इधर आओ। ओरी तो ओरियो मुझे भूल चुका है अच्छे से, इसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसके पास रहूं ना रहूं, इसको बस अब अम्मा बाबू चाहिए। तो भी अम्मा कह रही थी मुझे अपना व्लॉग दिखा दे टीवी में, तो मैंने अम्मा को एक आइडिया दिया है कि टीवी के पास जाके बोलना, ओके गूगल, ओके गूगल, प्ले प्ले सौरभ जोशी व्लॉग न्यू वीडियो, सौरभ जोशी व्लॉग न्यू। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई बटन भी नहीं दबाना, वैसे ही आ जाएगी अपने आप, बस ये वर्ड याद रख लो हमेशा के लिए। टीवी के पास जाना, बोलना ओके गूगल प्ले सौरभ जोशी वीडियो, मेरी वीडियो चल जाएगी। चलो ट्राई करते हैं, चलो 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 चलो। तो अभी हम टीवी के पास आ गए, तो बोलो हेलो गूगल प्ले सौरभ जोशी न्यू वीडियो, बोलो ओके गूगल प्लेइंग सौरभ जोशी ऑन यूट्यूब। अरे आप सीख जाओगे, टेंशन मत लो, अब अगर 10 बार 20 बार बोलोगे ना सीख जाओगे, फिर आप एक बार में ब्लॉग खोल लोगे। प्ले सौरभ जोशी न्यू वीडियो, और ये चल जाएगी, इसकी पहली सर्विस भी करानी है। चल गई ना, कोई बात नहीं, हम अम्मा को सिखा देंगे। भाई किसी दिन कूद जाएगा ये, देख लियो, अगर ये वहां से भाग के आएगा ना सीधा पार हो जाएगा। हाँ हाँ कूद जाएगा, यहां से ऐसे, यहां
मम्मी पापा तो गए कहीं मार्केट काम से। फिलहाल चाय बनाता हूँ, सुबह से चाय नहीं पी आज। अब अकेले हैं तो थोड़ी दूध वाली चाय बनाएंगे। चाय पत्ती कहाँ रखती है मम्मी? क्या यार ये कैसे हैं? मेरे को ना इस तरह से पसंद नहीं है। हमारा पहला किचन था ना सिंपल सा था, ऐसे डब्बे पड़े रहते थे, सीधे डब्बे निकाले, इसमें खोलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, पता नहीं किस में डाल रखा है, किस बंद रखना पड़ता है। अपने वो सस्ते वाले किचन ही ठीक थे, है ना? ये कौन सा महंगा है यार? एक दरवाजा लगाने महंगा। फिर भी इसमें खोल के ढूंढना पड़ता है। उसमें क्या था, दूर से दिखता था, पत्ती वहाँ पड़ी है, चीनी वहाँ पड़ी है, दाल वहाँ पड़ी है, दूर से दिखता था। मम्मी के ना होने का फुल फायदा उठा जा रहा है। मैंने भी दूध में चाय बना ली, ये भी दूध में पता नहीं कॉफी बना रहे हैं। दूध सारा खत्म ना कर दियो। कितना बचा है? ओ भाई, तो गाइस सिर्फ इतना दूध बचा है। बाहर धूप में बैठ के पीते हैं चाय। सर्दियों में बस धूप में बैठ जाओ और चाय पीते रहो, पूरा दिन चाय पीते रहो बस, है ना अम्मा? पूरा दिन नहीं तो, मेरे को तो कितनी बार मिल जाए मैं तो पी लेता हूँ। तो अभी कैसी ऐसा है, अभी हमारा प्लान है ओरियो घुमा के लाते हैं। बहुत टाइम हो गए ओरियो कहीं घुमा के नहीं लेके गए हम दूर, तो अभी चलते हैं थोड़ी पहाड़ की साइड चलते हैं थार लेके। पीयूष, मैं, ओरियो और शुभम और दिव्यांश भी हमको ज्वाइन कर लेंगे। साहिल तो अपने कॉलेज गया है इसलिए साहिल नहीं आ रहा। चप्पल मत डाल, ठंड लगेगी वहाँ पे, जूते डाल के ला। देखना पहाड़ पे जा रहे हैं और चप्पल डाल के जा रहे हैं, ओरियो को साथ में लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टास्क है ओरियो को सेफ रखना। हाँ डंडा रख लो एक। कहाँ से लाऊं? अंदर नहीं पड़ा डंडा। तो डंडा हमने ले लिया ओरियो को बचाने के लिए दूसरे डॉग और मंकी से। अरे तुम मेरे को भी मार रहे हो। तो फिलहाल अब चलते हैं, ओरियो घुमाना भी तो इम्पोर्टेंट है, बहुत टाइम से कहीं निकला ही नहीं है घर से बाहर। अरे ये कहाँ गया? अरे यहाँ ठीक है ना, इसको बांध दे, ये चीज सही दे के थार में। अब से मैं पीयूष को बिल्कुल खींच के लूंगा, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा इसको लेके नहीं जाऊंगा। अरे वो रहा दिव्यांश, तो दिख गया हमको, मेरे को लगा साहिल भी आ रहा है। साहिल कॉलेज गया। तो अभी शुभम के घर पे पहुंच गए, शुभम का वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं पहाड़ की साइड। आपके ब्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं हमें। थैंक यू जोशी। जोशी भाई, भाई जोशी भाई, पीयूष छोडू कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे ओरी ओरी ओरी, अरे अरे। तो अभी शुभम भाई भी आ चुके हैं और शुभम भाई के लिए रुके थे हम, इतने में इतने सब्सक्राइबर मिल गए। तो अब चलते हैं पहाड़ की साइड। अरे ऊपर साइड चलते हैं, वो जहाँ मैगी पॉइंट है ना, मैगी पॉइंट जाएंगे, लेकिन मैगी नहीं खाएंगे भाई। कहीं सोच रहे हो मैगी खाने जा रहे हैं? मैगी नहीं भाई, मैगी। तेरे को मैगी क्यों पसंद है? मैगी क्या अच्छा लगता है आपको? वो क्यों पसंद है? क्या बोल बोल बोल, अभी कैमरा ऑन करता है क्या? तो फाइनली पहाड़ पे तो पहुंच गए, अब कहीं बैठते हैं आराम से। अरे अरे अरे, पकड़ पकड़ पकड़। तो भी ओरियो भाग गया था भाई कुत्ते के पीछे, बच गया भाई, बच गया भाई। ये इतने बड़े कुत्ते के पीछे क्यों भागा? बड़ा कुत्ता काट देता इसको, बड़ा कुत्ता डर के भाग गया भाई। तो हम जैसे ही गाड़ी से निकले एकदम से ओरियो भागा, एक डॉग को देखा उसने ब्लैक कलर का था। तो अभी यहाँ चलते हैं, यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। चलो सही है, हम बैठेंगे। बैठो बैठो, बिठाना इसको, पीछे बिठाइए इसको। हाँ, ये लो। क्या खाएगा? क्या खाएगा वरी? पकोड़े खाएगी, पकोड़े। हाँ चाय पकोड़े। नो मैगी, नो मैगी, नो मैगी। मैगी नहीं मिलती यहाँ पे, भैया बोल रहे थे ना अभी। तो अभी हमारी चाय तो आ गई है, अभी फिलहाल पकोड़े का इंतजार है। एंड ओरियो मस्त सो चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना, और हमारे पकोड़े भी आ गए हैं, तो मस्त गर्म गर्म पकोड़े खाते हैं चाय के साथ। एंड इसने मैगी भी मंगवाई ली है जिद करके। कुछ नहीं खा रहे, हम पकौड़े खा रहे हैं। मैगी छुपा रहा है, छुपाने से क्या होगा? मैंने बोल दिया जब तूने मंगा लिया, तो छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, तो भी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। ठंड लिटरली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो भी हम जा रहे हैं हाथ सेकने के लिए। यहाँ पे आग लगी हुई है नीचे, तो यहाँ पे मस्त आग जली हुई है, और बगल में यहाँ पे नदी भी है। ये जो पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है ना, पूरा बांस से बन रहा है, इधर भी बन रहा है ये। तो चलो फिलहाल अभी निकलते हैं, चलो ओरियो को पीछे रख लो। तो ये वाला डॉग था जिसके पीछे ओरियो भागा था। तो भी गाइस अंधेरा हो चुका है और हम निकल रहे हैं पहाड़ से नीचे। तो भी गाइस घर पे पहुंच गए हैं, बट मेरे ओरियो सिर में काफी तगड़ी वाली दर्द, पहाड़ पे गए थे ना तो क्या अब तक ठंड लग गई वहां पे ज्यादा, तो सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तो एडिटिंग भी नहीं करी जा रही मुझसे फिलहाल, तो मैं सोच रहा हूँ सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ के कर लूंगा। देखते हैं क्या करना है, भूख भी नहीं लग रही, पकौड़े खा लिए थे तो शायद डिनर भी नहीं करूंगा। मेरे फोन की वजह से या एडिटिंग की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, हार्डली मैंने पूरे दिन में आधा घंटा फोन चलाया होगा, मतलब फोन स्क्रीन टाइम तो मेरा है ही नहीं बिल्कुल, मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग बना। हाँ ब्लॉग बनाने के लिए फोन जरूर यूज करता हूँ मैं, इवन मैं खुद की वीडियो भी देखता हूँ, बस एडिट करिए डाल दी बस।
अपनी जिंदगी तो फिलहाल ऐसे चली, दिन भर शूट करा, रात को एडिट करा, फिर सो गया, फिर सुबह उठ के फिर शूट करा, एडिट करा। तो अपना दूध भी आके दूध पीता हूँ और फिर जल्दी सोता हूँ। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं, मैंने पूरा ट्राई किया सोने का बट नींद नहीं आई, और सिर में दर्द भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, सिर में दर्द की वजह से नींद भी नहीं आ रही। तो अब चलते हैं, पहले डिनर करते हैं, कुछ खाता हूँ और फिर दवाई लेता हूँ सिर दर्द की। ये जैकेट भी इतनी ठंडी हो गई ना, मेरे को जैकेट्स भी लेनी है, मेरे पास एक ही है गर्म जैकेट, रोज यही डालता हूँ मैं। तो खाना खाते हैं, इसके बाद दवाई लेंगे और फिर एडिटिंग शुरू करूंगा, बिकॉज एडिटिंग के बिना मैं सो नहीं सकता, मेरे को नींद ही नहीं आएगी। तो अभी खाना तो हो गया बट सिर में दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब दवाई चाहिए, मम्मी पापा सो चुके हैं तो अब मांगनी पड़ेगी उठा के दवाई। इसके उसमें है ये वाली, कौन सी है? एक गोली खा लूँ पूरी? हाँ खा ले। ठीक है सो जाओ, गुड नाइट। तो दवाई तो मिल गया, जल्दी खाता हूँ और ठीक होता हूँ, बिकॉज मुझे बीमार नहीं होना, मुझे परसों को कहीं निकलना है इम्पोर्टेंट, तो बीमार नहीं होना बस। चलो करते हैं, जैसे तैसे करके एडिटिंग कर ही लेते हैं। तो फाइनली अपना व्लॉग एडिट हो चुका है और अभी 1 बज गए हैं, तो अब मैं इसको जल्दी कंप्लीट करता हूँ, अपलोड पे लगाता हूँ और सोता हूँ, बिकॉज कल हमको शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि परसों जाना है ना कहीं। तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, काफ़ी मतलब सरप्राइज आप लोगों के लिए और मज़ा आने वाला है। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, एंड सिर में दर्द मेरे हल्की हल्की ठीक हो चुकी है दवाई खाने के बाद में, तो हाँ होपफुली सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सौरभ जैसी न्यू ब्लॉग, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई नहीं समझ जाएगी, टेंशन मत ले, समझ जाएगी भाई, तू बोलो। ओके गूगल प्ले सौरभ जैसी न्यू ब्लॉग।